हाँ मैं कराता हूँ ना आपका काम। अरे मैं करा दूंगा यार एलएसडी के जुगाड़। एक सेकंड ना, मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ रही है, मुझे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके हेलो बेबी। हाँ मैं बस 5 मिनट पहुँच रहा हूँ। ओके ओके बेबी। हाँ अरे आओ अंदर आओ। थैंक यू सर। हैव अ सीट। थैंक यू। बी कंफर्टेबल। चलो और सब ठीक है? और गुड सर। आपका एलएसडी मेरा फ्रेंड आता ही होगा, बस रास्ते में ही है। चलो एलएसडी तो आ ही जाएगा, तुम आ गए। और बताओ घर पे कौन कौन है, क्या करते हो, कहाँ से हो? मैं यहीं बरेली से हूँ और घर में मेरी सिस्टर और मदर हैं, बाकी फादर मेरे दिल्ली में जॉब करते हैं। तो बताओ सिस्टर क्या करती हैं? अरे सर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, बाकी मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। तो दैट्स गुड। चलो अपने फ्रेंड को कॉल तो लगा लो। अच्छा। कहाँ पहुंचे? The number you are trying to reach is currently unavailable. सर वो आ रहा है रास्ते में, मैं फोन नहीं उठा उसने। चलो आ जाएगा। चलो तब तक एक एक ड्रिंक हो जाए। ड्रिंक? चलो मैं समझ गया। Here's your drink. Thank you. अच्छा तो तू ये बता तुझे एलएसडी मिलता कहाँ से? अरे सर अपनी अपनी बात होती है। हाँ आजकल तो ये ड्रग वैसे भी बहुत फेमस है कॉलेज में, लड़का हो चाहे लड़की। अच्छा तो तू ये सब करता कैसे? पहले तो मैंने कॉलेज के उन लड़कों को ढूंढा जो पहले से ही नशे में थे, मतलब ड्रग्स वगैरह करते थे। फिर मैंने धीरे धीरे उनके ठिकाने ढूंढे कि वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं वगैरह वगैरह। और फिर एक लड़का था जावेद, मैंने उसके साथ दोस्ती बनानी शुरू करी और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट गेन करा ताकि वो भी मुझे अपने साथ उसी धंधे में लगा ले, क्योंकि पैसा किसे नहीं चाहिए। कभी डर नहीं लगा? सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और वैसे भी आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं ड्रग पेडलर हूँ, और वैसे भी मैं तो 17 साल का हूँ, मुझे क्या डर। तू 17 साल का है? सर ये इंडिया है, आप पैसे फेंको आप भी 17 साल के जाओगे। तो तुम 17 के नहीं हो? अच्छा तू ये बता तू इस धंधे में आया कैसे, एलएसडी लेता किससे? वो मुझे नहीं पता, वो मेरा एक फ्रेंड जावेद है वही ला के देता है। अच्छा तेरे एक फायदे की बात है। अच्छा 20 लाख का फायदा? 20 लाख का फायदा? बताइए वैसे भी आजकल बहुत कड़ी चल रही है। पहले तो ये बता सारदा को जानता है? हाँ मेरी कस्टमर भी और मेरे दोस्त भी। है नहीं थी? मतलब उसका मर्डर हो गया है। क्या किसने किया? तूने? मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है मैंने कुछ नहीं किया है। आप मेरे पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मैं तो उससे बहुत टाइम से मिला भी नहीं हूँ। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। चिल, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया है। मतलब आप हो कौन? मैं शारदा का अंकल हूँ और साथ ही इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी मैं ही हूँ। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? तू मुझे रिटर्न में लिख के दे दे कि शारदा का मर्डर तूने किया है, उसने सुसाइड नहीं किया है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं लिखित में मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। पहला तो तू एक ड्रग पेडलर है और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी मैं ही हूँ। मैं जैसा चाहूँ वैसा केस बना सकता हूँ। तू सोच ले किसकी बात मानी जाएगी, तेरी या मेरी। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही किया है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? शारदा के नाम 1 करोड़ का इंश्योरेंस है और उसने सुसाइड एलएसडी के नशे में किया हुआ है।
चाहिए ही चाहिए। तो मतलब पैसों के लिए कुछ भी करोगे? जब मैं एक पुलिस वाला होके ड्रग डीलिंग कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यहाँ तो बात 1 करोड़ की है। आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? जो तेरा दोस्त जावेद है ना, वो अरेस्ट हो गया। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. तूने किया कुछ नहीं है, अब तुझे करना है इमरान को फोन लगा और जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा कर। अगर अपनी सलामती चाहता है तो जल्दी लगा। हाँ हेलो इमरान, मैं तुझे एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहां पहुंच जा, अपना क्लाइंट है। अबे लेकिन यार अभी मुझे कहीं और जाना है। बस तू पहुंच जा वरना क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। पर मेरे पास अभी एलएसडी नहीं है। अरे एलएसडी लेके मैं पहुंच जाऊँ, बस तू पहुंच जा। अरे यार, अरे चल ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। सुन, तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे राइटिंग में दे दे और 3 साल के लिए जुवेनाइल जेल चले जा, सारी जिम्मेदारी मेरी, समझ रहा है ना तू, या फिर उमर कैद, फैसला तेरे हाथ में है।